हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंस ऑफ बीइंग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिन परफ्यूम्स की बात करूंगा, ये एक समर लिस्ट परफ्यूम्स हैं और ये एक्चुअली ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनकी लास्टिंग अच्छी है, समर में अच्छा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑफिस में काम आएंगे या डेट पे काम आएगा। ज्यादातर इसमें ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आप सुबह से लेके रात तक किसी भी ओकेजन में आप यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ। और तीसरी चीज कि थर्ड थिंग ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें से मैक्सिमम जो फेवरेट है मेरी वाइफ के, और मेरे खुद भी ये फेवरेट हैं कहीं ना कहीं। और ये क्राउड प्लीजिंग परफ्यूम्स भी हैं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि भाई अगर मेरी वाइफ को कोई परफ्यूम अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कि क्राउड प्लीजिंग क्यों हुआ। क्राउड प्लीजिंग क्योंकि अदर फीमेल्स को भी अच्छा लगेगा अगर मेरी वाइफ को अच्छा लग रहा है। तो आप ये उससे समझ सकते हो कि जो ये लिस्ट है डिजाइनर परफ्यूम की फॉर समर, ये एक्चुअली फीमेल्स को ये परफ्यूम अच्छे लगने वाले हैं। तो इन परफ्यूम्स में खास करके गौर कीजिएगा, इनमें से आपके पास कोई ना कोई परफ्यूम्स होने चाहिए। तो शुरू करते हैं, और ये कोई भी ऑर्डर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर का परफ्यूम सबसे अच्छा है और एट नंबर का परफ्यूम सबसे कम अच्छा है। सब परफ्यूम अपने आप में अच्छे हैं। और शुरू करते हैं, तो पहला परफ्यूम है YSL का ओम, और ये सिट्रसी और जिंजर की स्मेल है इसमें, और ऑफिस वेयर ये बहुत अच्छा है। बट मुझे किसी और ने ये भी कहा कि किसी ने ये कहा कि ये डेट के लिए भी बहुत अच्छा है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उसके साथ कि ये डेट के लिए अच्छा है। क्योंकि डेट जब हम करते हैं तो मानी बात है एक ही जना में स्मेल कर रहा होता है और थोड़ा पास बैठा होता है, तो ये परफ्यूम अपने आप में एक बहुत ही शानदार परफ्यूम है। अगर आपको डेट पर लगाना हो तो आप लगा सकते हो, और ऑफिस में तो लगा ही सकते हो क्योंकि थोड़ा सा क्लोज रहता है, किसी को खराब नहीं लगेगा, स्मेल अच्छा करता है। तो ये अगर आपको हक करता है तो बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। ध्यान दीजिए डेट के लिए अच्छा है, मैं तो अभी तक सिर्फ ऑफिस के लिए समझता था। तो नेक्स्ट परफ्यूम की बात करते हैं, तो डैनियल का आइकन है ये। तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है ऑफिस वेयर के लिए, वेकेशन के लिए भी अच्छा है। कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, जैसे बीच बीच पे कहीं जा रहे हैं तो वहाँ ले जा सकते हैं। मैं ले जा चुका हूँ इसलिए मैं वो चीज़ ध्यान कर रहा हूँ। और ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, लास्टिंग अच्छी है इसकी। बहुत कम लोग इस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, बट लोग नोटिस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और मुझसे भी कहा गया कि हाँ ये एक बढ़िया फ्रेश परफ्यूम है जो ज़्यादातर लोगों पे स्मेल नहीं मिलेगी आपको। तो बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसकी वजह से आप कॉमन नहीं स्मेल करोगे, तो बेस्ट पार्ट ये है। तो मैं इसलिए इस परफ्यूम कॉमन नहीं है ये, और ये मैं ये भी जानता हूँ कि यूट्यूब पे लोग इसके बारे में बात नहीं करते तो उस वजह से भी कॉमन नहीं है। फिर हम बात करते हैं, इस कंपनी को कभी भूलना नहीं चाहिए सिमिया की, डिजाइनर्स की अगर बात करें। ये एक बढ़िया फ्रेश सिट्रसी परफ्यूम है, और क्या ही कहना है इस परफ्यूम का। मतलब कोई परफ्यूम मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है गर्मियों में, इसको उठा के लगा लेता हूँ और बहुत गो टू परफ्यूम है। कुछ ना समझ में आए इसको लगा लो, ऑफिस के लिए भी अच्छा है, शाम को दोस्तों से मिल रहे हो अच्छा है, नहा के निकले हो लगा लो अच्छा है। तो ये मतलब बहुत ही गो टू परफ्यूम है। लास्टिंग बेस्ट बात बहुत ही अच्छी है इसकी, आराम से 6 घंटे टिकता है, बहुत ही आराम से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यू डी शनेल EDP की, तो इस परफ्यूम के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये कभी भी पहन सकते हैं, पार्टी में पहन सकते हैं, डेट पे पहन सकते हैं, ऑफिस में पहन सकते हैं। और अगर मैं अपने पार्टनर के हिसाब से कहूँ
ये परफ्यूम उसके हिसाब से कैसा है, तो वो बेसिकली उसके हिसाब से ये परफ्यूम ऐसा है कि इसको ऑफिस पे और डेट पे पहन सकते हैं, तो ये समझ सकते हो कि कितना अच्छा है। जैसे कि YSL ओम के बारे में कहा गया था कि ऑफिस एंड डेट, और बट ये स्पेशली ऑन डेट कहा गया है, तो ये वैसा परफ्यूम है कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से ये कभी भी पहन सकते हैं, थ्रू आउट द डे, इवनिंग, नाइट, कभी भी पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। बट मैं ये कह रहा हूँ EDP के बारे में, EDD के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि EDD इज ओनली गुड फॉर ऑफिस पर्पस, क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिर हम बात करते हैं एक डिफरेंट परफ्यूम की, ये क्रिएचर है बाय कैरोसिन, तो मुझे इसमें थोड़ी कैरोसिन वाली स्मेल लगती है, सॉफ्ट वाली स्मेल भी आती है, बट वो ये टाइम टू टाइम अलग अलग स्मेल्स लगती है। मुझे ये क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल करता हूँ, लोग मुझसे पूछ लेते हैं इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, मैक्सिमम टाइम्स इन अ गुड वे। हाँ ये है कि अगर मैंने लगाया और तुरंत निकल गया, मैं जैसे मैंने अभी डाला और 10 मिनट बाद मैं लोगों से मिल लिया, तो शायद ये थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से लोग पूछते हैं, बट अगर मैंने इसको दे दिया थोड़ा सा समय, आधा घंटा, तो फिर ये काम कर जाता है। तो मुझे, मेरा ये अपना फेवरेट है। और किसी और की बात मैं करूँ तो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है अगर थोड़ा टाइम दे दें, तो अच्छा परफ्यूम है। और इसके बाद में बात करते हैं सवाज अगेन EDP, और मेरे हिसाब से ये कभी भी पहन सकते हो, थोड़ा सा कॉमन परफ्यूम है, और बट EDP जल्दी नहीं लोगों के पास मिलता है, या तो परफ्यूम वर्जन मिलता है या EDP मिलता है, EDP बहुत कम लोग खरीदते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और ये पार्टी में भी पहन सकते हो, मैंने भी रिसेंटली ये पार्टी में पहना था और मैक्सिमम लोगों ने भी नोटिस किया था और कॉम्प्लीमेंट किया था। तो अभी मतलब 3 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो समर रीड में बहुत अच्छा परफ्यूम है, और ये भी अच्छा ही है, ब्लू डे शनैल की भी यही तारीफ है, ऐसी तारीफ है लोग करते हैं, और एक्चुअली रेट के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम है। रेट पे जा रहे हैं तो थोड़ा कम स्प्रे करिए, ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा कम स्प्रे करिए, पार्टी में जा रहे हैं तो गो हैवी लाइक 12-15 स्प्रे, तो इट विल डू इज वेल, आप नोटिस करें जाओगे, कॉम्प्लीमेंट ऑन द रूम करेंगे। उसके बाद हर्मेस का ऑरेंज, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट है, बट मैं कहूँगा मेरा फेवरेट था, क्योंकि अब क्या दिक्कत है कि इतनी लास्टिंग नहीं है, वरना इससे अच्छा डर्टी ऑरेंज मैंने आज तक स्मेल नहीं किया। और ये मेरे हिसाब से ऑफिस में, डेट पे, पार्टी में, नाइट आउट पे, कहीं भी इस्तेमाल कर लो, यू विल स्मेल डिफरेंट, यू विल स्मेल गुड, और पीपल विल लव यू। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मेरे पार्टनर को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका ये फेवरेट है, खुद भी कभी मैं यूज कर लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है उसको। तो अगर ये परफ्यूम आपके हाथ लग जाए तो प्लीज़ खरीद लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पार्टनर को अच्छा लगता है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 7-8 साल से मैंने इसको यूज किया, और ये हरदम मेरी लिस्ट में रहा है, समर लिस्ट में। अब लास्टिंग उतनी अच्छी नहीं है बस इसलिए, और ये मेरी छोटी सी बॉटल बची है जो पुरानी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ और बचा नहीं है, जो बॉटल है वो नए बैच की है, और मैं और खरीदना नहीं चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं ऑल्टरनेट इसके खरीद लेता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखते हैं कहाँ ये परफ्यूम फिर से आता है, ऐसा बढ़िया बढ़िया परफ्यूम है। लास्ट सागा बाय एम्बेसडर, तो मैंने इस परफ्यूम को पहली बार इसलिए खरीदा था क्योंकि इस पर लिखा हुआ था एम्बेसडर, तो एम्बेसडर से बहुत लोग समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों खरीदा है, बट जब मैंने इसे पहली बार स्मेल किया था, अगर इस लिस्ट का मैं नंबर 1 कहूंगा तो यही है। इसको ऑफिस में नहीं पहन सकते हैं मेरे हिसाब से, बट मैं भी यही कहूंगा ये इवनिंग परफ्यूम है, फ्रेश है, इवन दो ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको पार्टी में पहनिए, इवनिंग में पहनिए, और कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स पक्का मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, कोई ऐसा जना नहीं होगा जिसको ये परफ्यूम अच्छा ना लगे।
सभी को ये अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, बहुत ही शानदार है। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने ये परफ्यूम स्मेल नहीं किया है या नहीं लिया है, तो भाई देर मत खरीद लो, एम्बेसडर दोबारा नहीं आनी और परफ्यूम ही जल्दी मिलना नहीं। तो एम्बेसडर है, पुरानी चीज हो गई है, तो उस पर ध्यान दो। और बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा। जल्दी किसी के पास मिलता नहीं है, जल्दी किसी के पास स्मेल नहीं कर पाओगे। और देख सकते हो मैं बार बार सुन रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है। और ज्यादा लोग ना खरीदो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं डिफरेंट स्मेल करूँ। तो दैट प्लीज जय हिंद।